मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। हमारे साथ में झारखंड के एकमात्र युवा और सौम्य मृदुल भाषी नेता के रूप में जिसकी पहचान है वो है बादल पत्रलेख। और बादल पत्रलेख को आज सरकार ने मंत्री पद से नवाजा है, इनसे ही जानते हैं कि सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आजाद सिपाही परिवार की ओर से। जो जिम्मेदारी राहुल जी ने, सोनिया जी ने हेमंत जी के हाथों सौंपी है, मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और आने वाले दिनों में बिना कोई भेदभाव का पारदर्शिता बरतते हुए झारखंड के सर्वांगीण विकास में तन मन को समर्पित रखूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और झारखंड और देश के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस जोश और खरोश से युवा रहते हुए मुझे पार्टी ने हमेशा बेहतर जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी को विश्वास दिलाऊंगा आने वाले दिनों में कि एक एक कार्यकर्ता का भावना बादल जोड़ने का काम करेगा। राज्य की जनता के साथ साथ क्षेत्र की जनता की भी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं आपके साथ में, उम्मीद बढ़ गई हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्राथमिकताएँ आपकी क्या होंगी? प्राथमिकता होगा यहाँ जो आप देख रहे हैं कि चीज़ें उलझी हुई है उसको सुलझाना, जो नियुक्तियां हैं, जो पद खाली हैं, रिक्त पदों को भरवाना, जो प्रशासनिक कुछ अक्षम पदाधिकारी हमेशा आयोग को कभी विज्ञापन को मिसगाइड करके हमेशा कोई भी परीक्षा हो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, इन सब चीज़ों में क्लैरिटी ला के यहाँ खाली पड़े जो पद हैं उसको भरना, यहाँ के जो अनुबंध कर्मी हैं जिससे जिसका सीधा प्रभाव हमारे शिक्षा ऊर्जा स्वास्थ्य पर पड़ता है, उन अनुबंध कर्मियों को बेहतर जीवन और बेहतर यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं महफूज कराना, जो राज्य के खजाने खाली हैं तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए नए प्रयोग करना, री इन्वेंट करना, और राज्य की जनता जो बेबस हो चुकी है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक स्पार्क देना, हीलिंग टच, वो आपको आगामी दिनों में मिलेगा और हम बेहतर झारखंड बनाने का काम करेंगे। मंत्रालय का विभाग का बंटवारा भी होगा, तो एक क्या लगता है कि बादल पत्रलेख किस विभाग में बेहतर काम कर सकते हैं? मैं सबसे युवा हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला विभाग चाहता हूँ।